नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त संजय। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया ड्राइंग वीडियो लेकर। और आज तो आप लोगों को मेरे वीडियो को थंबनेल देखने ज़रूर पता चल गया होगा कि आज हम रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ करेंगे। तो आज हम आपको दिखेंगे कि रियलिस्टिक ड्रॉ करने के लिए मैं आज कौन सा टेक्निक यूज़ करूँगा। तो आज के टेक्निक के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक खाली पेन का, जिसमें इंक नहीं है बिल्कुल भी। और आज हम चारकोल से ड्रॉ करेंगे हेयर, एक चारकोल पेंसिल और ब्लेंडिंग करने के लिए ब्रश। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी आपको ऐसी ड्राइंग टिप्स मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम जिस टेक्निक का यूज़ करके हेयर ड्रॉ करेंगे, तो टेक्निक को समझ लेते हैं। तो पहले क्या करना होगा, आपके पेपर के ऊपर एक खाली पेन को थोड़ा सा प्रेशर देके जिस डायरेक्शन में हेयर है उसी डायरेक्शन में आपको अप्लाई करना है। ऐसे मान लीजिए कि ये हेयर इस डायरेक्शन में है, तो ऐसे आपको स्ट्रोक्स लगाते रहना है, स्ट्रोक को अप्लाई करते जाना है। और ये हाईलाइट को आउट करने के लिए है, नहीं तो आप हाईलाइट तो आप टम्बोमोनो जीरो से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा इससे होगा। ये बिल्कुल हेयर की तरह लगेगा। ऐसे करके फिर इस पर आप पेंसिल चला दीजिए, ये बिल्कुल हेयर की तरह हाईलाइट करके आ जाएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हैं ये किच्चा कितना अच्छा हुआ है। अब अगर इसके ऊपर आप ब्रश चला दें, ब्लेंडिंग कर दें, तो ये हाईलाइट हो जाएगा एकदम सफ़ेद बाल से। जैसा बालों का हाईलाइट होता है वैसा आ जाएगा। तो इसी टेक्निक का यूज़ करके आज हम रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ करेंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो पेपर पे मैं खाली पेन है वो मैं हेयर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर करके स्ट्रोक को अप्लाई कर रहा हूँ। ऐसे ही आप लोगों को देख देख के, अच्छी तरह से देख देख के, जिस डायरेक्शन में हेयर है उसी डायरेक्शन में आपको स्ट्रोक चलाते जाना है। जो है हाईलाइट है हेयर में, उस हाईलाइट को निकलने के लिए वैसे ही डायरेक्शन में आप लोगों को स्ट्रोक्स को अप्लाई करते जाना है। ये सिर्फ हाईलाइट के लिए है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जिस डायरेक्शन में हेयर है उसी डायरेक्शन में चारकोल पेंसिल को उसी डायरेक्शन में आपको अप्लाई करना है। जहाँ आपको स्ट्रोक्स नहीं दिख रहे हैं, स्ट्रोक्स हेयर की रोटेशन नहीं लग रहा है, वहाँ आप ऐसे ही पेंसिल को अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे तो हाईलाइट का स्ट्रोक तो हमने वो खाली पेन से बना लिए हैं, उस पर आप ऐसे ही पेंसिल चला दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपने आप वो रोटेशन वो आ जाएगा हाईलाइट का। और इसके बाद क्या करना है, इसको ब्रश की मदद से ब्लेंडिंग कर देना है। और फिर आपको ऑब्जर्व करके अच्छी तरह से जहाँ जहाँ जितना डार्क है डार्कनेस, वो डार्कनेस को आपको लाना है। अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके देख देख के
आप लोगों को जितना डार्क है हेयर में, जिस जगह जितना डार्क है ना आपको डार्कनेस करना है। तो आप लोग देख सकते हैं जहाँ जहाँ जितना डार्कनेस है, मैं देख के अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके वहाँ उसी रोटेशन में डार्क कर रहा हूँ, और हेयर का रोटेशन भी ऊपर मैं वैसे लगा रहा हूँ और डार्क नियुक्त कर रहा हूँ। आप लोगों को भी ऐसे ही अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके उसी तरह उसी जगह पर उतना ही डार्कनेस करना है। और इसके बाद हम लोगों को देख देख के जहाँ ब्लेंडिंग करने से जो हाईलाइट है वो ज़्यादा कम लाइट लग रहा है, वहाँ आप लोगों को ये टॉम्बो मोनोजरेजर से थोड़ा हाईलाइट दे देना है। अभी मैं थोड़ा पेन से ये स्ट्रोक दे रहा हूँ जहाँ जहाँ जैसा रोटेशन में बाल हेयर है, और आप चाहो तो मैं जैसा कर रहा हूँ वो वाइट पेन से आप थोड़ा हाईलाइट दे सकते हैं, तो इससे और ज़्यादा हेयर ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये कैसे लगा है, तो आप भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं हाइपर रियलिस्टिक हेयर।